बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 19 सितंबर केमिस्ट्री पोर्शन इवनिंग के अंदर जो टेस्ट हुआ उसका डिस्कस करेंगे। बच्चे सॉरी फॉर द डिले, काफ़ी बच्चे इनबॉक्स के अंदर मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि सर क्यों नहीं डिस्कशन अपलोड हो रही, तो एक्चुअली घर में काम था बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे जिसकी वजह से वीडियोज़ वगैरह बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए डिले हुए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी पिछली वीडियोस रहती हैं डिस्कशन वाली वो डेली की बेसिस के ऊपर मैं पिछली वीडियोस भी अपलोड करता जाऊंगा और साथ ही साथ जो नेक्स्ट इनकमिंग वीडियोस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपने बच्चे वैल्यू बतानी है। तो बच्चे चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारे पास एक टेबल मौजूद है, इनमें से 12 एमसीक्यूज पूछा जा रहा है कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी, किसकी कम होगी, या फिर इन तमाम की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 10 से ये क्वेश्चन पिक किया गया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फ्लोरीन की क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास 4.0 है। यह आपसे ये पूछा जाता है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल क्या है, तो वो भी फ्लोरीन होगा, या फिर एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी आप लोगों के पास आंसर क्या होगा, फ्लोरीन होगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ फ्लोरीन के बारे में कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसी की होती है। उसके बाद जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो भी हमारे पास फ्लोरीन का ही जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये बातें जो है वो आप लोगों से एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा ये टेबल भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए जो है वो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो राइट ऑप्शन विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं फॉलिंग इज यूज एज अ हाइपोटोनिक ड्रग, हम लोग इनमें से किस चीज को जो है वो हाइपोटोनिक ड्रग को तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे अगेन ये यूज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में से आया है। एक एक लाइन जो है वो यूज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की एमसीक्यूज के तौर पे इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे देखें, यूज ऑफ एसिटाल्डिहाइड में से थर्ड पॉइंट से एमसीक्यूज पूछा गया था कि एसिटाल्डिहाइड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म द क्लोरल हाइड्रेट एथेनॉल ट्राइमर एंड एथेनॉल टेट्रामर। इनमें से जो पहले दो हैं मीन टू से क्लोरल हाइड्रेट एंड एथेनॉल ट्राइमर आर बोथ यूज्ड एज अ हाइपनोटिक ड्रग। यहाँ पे हाइपनोटिक ड्रग आएगा। तो बच्चे यहाँ पे जो एथेनॉल ट्राइमर है हमारे पास, एथेनॉल ट्राइमर और उसके साथ साथ क्लोरोहाइड्रेट, यहाँ पे एथेनॉल आएगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या, इनको हम लोग हाइपनोटिक ड्रग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं बोथ हैंड भी, जबकि एथेनॉल टेट्रामर जो है ये हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है स्लग पॉइजन, और ये भी एमसीक्यूज के तौर पर लास्ट पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो बोथ हैंड भी। इसी तरह से आपसे यूजर फॉर्मेल्डिहाइड में से 12 वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चे तमाम की तमाम चीजें जो है वो आप लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। इनका यूज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और यूज ऑफ एसिटाल्डिहाइड जो है वो हमारे पास क्या हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ TiH2O6 पॉजिटिव लुक्स डैश इन कलर, कि हमारे पास इसका कलर जो है वो हमें किस तरह का देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 6 पीटीबी की बुक से लिया गया। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग पीटीबी की बुक नहीं पढ़ते तो हमारे साथ काइंडली शेयर कर दिया करें। तो मैंने इसी वजह से आप लोगों के साथ जो है वो ये इनके पिक्चर्स भी शेयर किए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पिक किए गए हैं, ये चैप्टर नंबर 6 में मौजूद है। यहाँ पे देखें, कहते हैं इन TiH2O6 पॉजिटिव येलो लाइट जो है वो अब्जॉर्ब होती है। बच्चे तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आप लोग से पूछा जा सकता है कि कौन सा कलर अब्जॉर्ब होता है, तो वो येलो लाइट अब्जॉर्ब होता है। अगर पूछा जाता है कि हमारे पास किस किस्म का कलर जो है वो ट्रांसमिट होता है, तो ब्लू एंड रेड जो है वो ट्रांसमिट होता है। और इसी तरह से अगर पूछा जाता है कि कौन सा कलर हमें नजर आता है, लुक्स वॉयलेट इन कलर, तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे आपके पास जिस भी तरह का मर्जी क्वेश्चन हो याद रखिएगा कि जो कलर एब्जॉर्ब होता है, लाइक ये येलो कलर है, आपने विप ग्योर आप लोगों को याद है, तो विप ग्योर में से इंडिगो को खत्म कर दें, बाकी वॉयलेट ब्लू ग्रीन रेड ऑरेंज येलो ये तमाम के तमाम कलर लिखेंगे। अब जो भी कलर एब्जॉर्ब होता है, लाइक येलो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसके जो डायरेक्टली सामने वाला होगा वो हमें नजर आ रहा होगा, तो वॉयलेट जो है वो हमें नजर आएगा। और जो कलर हमें नजर आता है उसके इर्द गिर्द वाले जो है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, लाइक रेड और ब्लू जो है वो हमें ट्रांसमिट होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है कि ग्रीन जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ग्रीन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो हमें नजर आता है वो रेड आता है, और रेड के इर्द गिर्द वाले ट्रांसमिट लाइक वॉयलेट एंड ऑरेंज जो थे वो हमें ट्रांसमिट होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड इंजन रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव प्राइमरी अल्कोहल। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड इंजन में से। तो बच्चे इन ऑप्शन में से इपोक्साइड हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसका अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड इंजन के साथ, लाइक यहाँ पे इथाइलीन इपोक्साइड के साथ ही रिएक्शन गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे 1-ब्यूटानॉल बन रहा है, और जिस कार्बन के साथ वह अटैच है मीन टू से अल्फा कार्बन, वो अगर डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो हमारे पास कौन सी कार्बन है, ये अल्कोहल होगी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल।
तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का अगर हम लोग इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो है वो प्राइमरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट हासिल होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 पीटीपी की बुक से रिएक्शन 10 मौजूद हैं, तो आप लोगों ने वो देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच टाइप ऑफ सॉलिड हैव द लो डेंसिटी। बच्चे अगेन मोलेकुलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आया। लाइक यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मोलेकुलर सॉलिड, एक बात तो क्लियर है कि लाइक यहाँ पे देखें उसने लिखा है कि इनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो लो होती हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास मोलेकुलर ही आएगा। बच्चे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 40 होगा, राधर देन आयनिक। आयनिक राइट ऑप्शन नहीं है, राइट ऑप्शन यहाँ पे मोलेकुलर होगा। एनी हाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं के मॉलिक्यूल्स को फोल्ड करने वाली जो फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, इजीली कंप्रेसिबल, इनको हम लोग दबा सकते हैं, मतलब ये वीक होती हैं। उसके बाद जीएमसीक्यू पूछा जा चुका है कि कौन सा सॉलिड जो है वो हमें सबसे ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिलता है, तो वो हमारे पास जो है वो मोलेकुलर सॉलिड्स होंगे। कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं वो भी मोलेकुलर सॉलिड्स के होते हैं। कौन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एमसीक्यूज हैं वो पूछे जा चुके हैं। इवन ये भी पूछा जा चुका है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट। तो ये जो पांच प्रॉपर्टीज हैं ये बारहा जो है वो पूछी जा चुकी हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे सॉलिड हैं जो पोलर और नॉन पोलर दोनों फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं, तो वो भी हमारे पास मोलेकुलर सॉलिड ही होता है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो हमें मोलेकुलर सॉलिड जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बच्चे पूछा गया कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हमें लिथियम देखने को मिलता है, उसके बाद हमारे पास सोडियम आ जाता है, और सोडियम के बाद जो है हमें पोटेशियम देखने को मिलता है। बच्चे जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक नंबर 19 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। 18 जो है ये हमारे पास आर्गोन का एटॉमिक नंबर हमें देखने को मिलता है। जो 20 है ये हमारे पास कैल्शियम का होगा, और जो 21 है ये हमें स्कैंडियम का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। पूछा गया कि विच एंजाइम विल कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। बच्चे अगेन मैक्रो मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंजाइम प्रोटीन और जो पॉलीमर्स हैं, एटलीस्ट आपको ये तीनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए। तो बच्चे हमारे पास एंजाइम के अंदर एक बात लिखी हुई है कि हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे ये कैटालाइज करते हैं कन्वर्जन ऑफ हेक्सोज मीट उसे 6 कार्बन, जो भी आप लोगों के पास शुगर होंगी वो ग्लूकोज हो सकती है, फ्रुक्टोज हो सकती है या मैनोज हो सकती है, उनके 6-फॉस्फेट डेरिवेटिव्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज होती है ना ये स्पेसिफिक होती है किस चीज के लिए, ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर, ये हमारे पास किसका काम होगा, ये हमारे पास ग्लूकोकाइनेज का होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहते हैं एग्जांपल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर इज। तो बच्चे ये टेबल आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 14 में मौजूद है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स दो तरह के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक के आगे दो टाइप्स, बायोपॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। जो सिंथेटिक पॉलीमर मीट से हम लोग खुद से बनाते हैं, बायोपॉलीमर नेचर के अंदर पाए जाते हैं। सेलुलोज जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास बायोपॉलीमर्स होंगे, जबकि पॉलीस्टर हमारे पास सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आ रहा होता है। तो इस वजह से हम लोग जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर जो है उसको काउंट कर रहे होंगे। इसके अलावा ये यूजेस के अंदर भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कहता है कि हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा पार्ट है वो पार्टिसिपेट करता है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो थी वो स्टूडेंट को याद नहीं थी, इस वजह से मैंने ऐसे जनिंग की वर्डिंग इस्तेमाल की हुई है। तो बच्चे यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, वो तमाम के तमाम रिएक्शन जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि OH बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ पे एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, और यहीं पे हमारे पास जो है वो साल्ट फॉर्मेशन हो रही होती है। तो बच्चे यही बात एमसीक्यूज के तौर पे पूछी गई कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, हाइड्रोक्सिल इन्वॉल्व हो, या पूरे का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एज अ होल इन्वॉल्व होता है। तो किस टाइप के रिएक्शन में हमारे पास जो है वो साल्ट फॉर्मेशन हो रही होती है, तो जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। इसके अलावा वो रिएक्शन जिनके अंदर OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है उसमें CO बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट करती है एज अ बेस, और इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसमें जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास बन रहे होते हैं। और अगर पूरे का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे रिडक्शन होती है, अगर पार्शियल रिडक्शन होगी तो अल्कोहल बनेगा, और अगर कंप्लीट रिडक्शन होगी तो हमें एल्केन बनता हुआ दिखाई देता है। नहीं, और यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा कि हाइड्रोजन इज योर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इज गिवन बाय अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या इस्टर। तो बच्चे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो वाहद टेस्ट है जो कीटोन सिर्फ और सिर्फ देते हैं और एल्डिहाइड को टेस्ट नहीं देते। तो इसका कलर भी पूछा जा सकता है कि वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलर जो है वो हमें देखने को मिलता है, जबकि एल्डिहाइड के टेस्ट नहीं देते। तो पर्टिकुलरली हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कीटोन आ जाएगा। बच्चे ने ये बात बताई थी कि सर यहाँ पे
कीटोन का नाम दिया गया था, स्पेसिफिकली कीटोन का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो आपने उसमें से कीटोन को आइडेंटिफाई करना था कि हमारे पास कौन सी कीटोन थी जिसके लास्ट पे ओ एन ई देखने को मिलेगा, वो हमारे पास कीटोन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो चाली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कहता है कि अल्काइल हैलाइड इज यूज टू प्रिपेयर, आया हम लोग इससे अल्केन बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, अल्केन या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे अल्केन इसका जो है वो राइट ऑप्शन हो सकता है। लाइक हमारी बुक के अंदर रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड गिवन है कि हम लोग जेड एन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एच एक्स के साथ, हमारे पास यहाँ पे अल्केन बनता है, साथ में जिंक जो भी हैलोजन इस्तेमाल करते हैं वो हैलाइड यहाँ से रिलीज हो जाता है। इसी तरह से हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप लोग चैप्टर नंबर 10 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और सबसे लास्ट में हमारे पास अल्कोहल जो है वो हमें हासिल हो रही होती है। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से अल्कीन बनाने के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का अल्कोहल की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास अल्कीन जो है वो बन रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमें ऑल ऑफ दीज है वो देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कहते हैं कि वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज, इनमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कौन सी है। अल्फा के अंदर देखें बच्चे, इसमें मिस्टेक ये है कि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो से स्टार्ट हुई है। बच्चे याद रखिएगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से बीटा को देखें तो बीटा के अंदर मिस्टेक ये है कि उसने 100 के ऊपर जो है वो जाके बात खत्म कर दिया, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अप टू इन्फाइनाइट जाता है जो कभी भी 100 के ऊपर जाके खत्म नहीं होगा। जबकि 40 ऑप्शन के अंदर देखें तो 1 से स्टार्ट होता है और अप टू इन्फाइनाइट जो है वो हमारे पास जा रहा होता है। तो बातें जो याद रखनी है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसके जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास इनफाइनाइट होती है, ये कभी भी फ्रैक्शन के अंदर भी नहीं हो सकती वैल्यू, और ये कभी भी आप लोगों को नेगेटिव भी देखने को नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चे ने इस तरह से बताई कि सर यहाँ पे बेस और एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास इस तरह की कुछ स्टेटमेंट थी, तो उसके अंदर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू ही पूछी गई थी, तो वो -57.4 ही होती है। तो बच्चे ये SHS ही MCQs मौजूद था, तो आप लोग इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बच्चे, कि रेट इक्वेशन दी गई थी के ए की पावर स्मॉल ए कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी, यहाँ पे ए प्लस बी के स्टेज को रिप्रेजेंट करती हैं। अल्फा ऑप्शन में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए, बच्चे अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए पूछा जाए तो इसका आंसर स्मॉल ए होगा, अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बी तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास स्मॉल बी होगा। अगर ए प्लस बी दोनों पूछे गए हैं तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास ए प्लस बी को डिफाइन कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो थी वो पूछी गई थी चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। आप लोगों से रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला ही पूछा जा सकता है, डेल सी बाय डेल टी इसका फार्मूला ही होता है, इसके यूनिट्स पूछे जा सकते हैं, वो हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड होते हैं। आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के क्या यूनिट्स होते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट जो होते हैं वो हमारे पास हमेशा सेम ही रहते हैं। डजेंट मैटर आप लोग जीरो ऑर्डर की बात करें, आप लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, आप लोग सेकंड ऑर्डर की बात करें या थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे होते हैं, जिसके यूनिट्स चेंज होते हैं वो हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट के होता है, जिसका यूनिट जो है वो हर एक वैल्यू के लिए ऑर्डर के लिए चेंज होते हैं, हम लोग उसको वहाँ पे जाके डिस्कस कभी क्वेश्चन आया तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक आयोडीन, बच्चे आयोडीन I2 मोलेकुलर सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो इसी से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिटवीन आयोडीन मॉलिक्यूल जो है वो हमें देखने को मिल रही होती हैं। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। सॉलिड तो होता है लेकिन आयोडीन है वो मोलेकुलर सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रियल गैसेस, रियल गैसेस की बात कर लें या फिर आप लोग नॉन आइडियल गैसेज की बात कर रहे होते हैं, तो बच्चे पीवी इज इक्वल टू एन आर पीवी ओवर एन आर टी इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास नॉन रियल गैसेज या फिर आइडियल गैसेज के लिए करेक्ट होता है, और अगर उसने रियल गैसेज या फिर नॉन आइडियल गैसेज की बात की है तो PV over NRT is not equal to 1, तो हमारे पास ये वाली बात ठीक होगी। तो 40 के अंदर उसने PV over NRT not equal to 0 लिखा हुआ है, तो अगर ये 1 के इक्वल आ जाएगा तो फिर वो भी रियल गैसेस के ही बराबर होगी, सॉरी वो हमारे पास जो है वो जो हमारे पास आइडियल गैसेस होती हैं उनके लिए वो भी बात ठीक नहीं होगी। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी बुक के अंदर लिखी हुई वो यही है कि अगर पीवी ओवर एनआरटी ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो वो हमारे पास रियल गैसेस के लिए ठीक बात होती है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, कहते हैं विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बच्चे मैंने जब डिस्कशन करवाई थी सभी यूनिट्स की फिजिकल केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को एक निमोनिक बताई थी हिट लप,
हिटलर किस तरह से आया, जैसे हिटलर होता है HDLR, इसी तरह से आप लोग हिटलर याद रखेंगे। ए स्टैंड फॉर हाई, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, एल स्टैंड फॉर लो, पी स्टैंड फॉर प्रेशर, मतलब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर गैसेज जो है वो हमारे पास आइडियल होती हैं। तो गैसेज आर आइडियल हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये बात ठीक है। जब ए वाली बात है गैसेज आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर तो ठीक है लेकिन प्रेशर लो होना चाहिए था, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो इनकोरेक्ट हमें देखने को मिल रही होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑर्बिट फ्रॉम विच एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप इन केस ऑफ बाल्मर सीरीज। बच्चे जब बाल्मर सीरीज में लोएस्ट ऑर्बिट होता है वो हमारे पास सेकंड होता है, मीन से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आके गिरेगा, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्बिट होता है वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की लास्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन लास्ट टेस्ट के अंदर पूछा गया कि द लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाइज इन, तो मैंने वहां पे भी ये बात क्लियर की थी यूवी रीजन के अंदर होती है, तो बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर कह रहे थे कि सर नहीं ये हमारे पास विजिबल के अंदर ही लाई करती है, तो बच्चे मैंने वहां पे भी क्लियर की थी, यहाँ पे अगेन क्लियर कर रहा हूँ कि बाकी तमाम की तमाम जो सीरीज हैं लाइक पास्टन है, ब्रैकेट है, प्रोफाइंड है, अगर ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर इनकी लाइन लाई करती हैं तो इनकी लिमिटिंग लाइन भी इसी के अंदर लाई करेगी। इसी तरह से जो लाइमन सीरीज है उसकी बाकी तमाम की तमाम सीरीज भी यूवी रीजन में लाई करती है और इसकी जो लिमिटिंग लाइन होती है वो भी यूवी रीजन में लाई करती है, लेकिन जो बाल्मर सीरीज है वहाँ पे एक्सेप्शन आती है कि इसकी बाकी तमाम जो लाइन्स होंगी वो विजिबल रीजन में ही लाई करती हैं, लेकिन इसकी जो लिमिटिंग लाइन होती है वो हमारे पास यूवी रीजन के अंदर जो है वो लाई करती है हमें दिखाई दे रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। सो दीज वर सम क्वेश्चन जो कि 19th of September इवनिंग बैच के अंदर बच्चे आप लोगों से पूछे गए थे, ये ऊपर हेडिंग के अंदर 16 September लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक ने इसको जो है वो ठीक नहीं कर पाया। एनी हाउ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए, ये 9 September इवनिंग बैच के क्वेश्चन हैं। होप सो आप लोगों की डिस्कशन पसंद ही होगी और इंशाल्लाह मैं जो लास्ट हमारी डिस्कशन रहती हैं वो भी एज सून एज पॉसिबल जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।